से आप सब, मैं स्वागत करता हूँ आपको मेरे चैनल पे ब्लैक एंड वाइट कीज, और मेरा नाम है आयुष साहू। तो आज का ट्यूटोरियल होगा जन गण मन अधिनायक जय, जो कि हमारा नेशनल एंथम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी पहली लाइन है जन गण मन अधिनायक जय है। शुरू होगी सी शार्प से, इसका नोटेशन है सी शार्प, डी शार्प, फिर 6 बार एफ दबाना है। 3 4 5 6 डी शार्प, एफ, एफ शार्प। सिंगल फिंगर से बजा के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगली लाइन है भारत भाग्य विधाता, बजा के बता देता हूँ वो जिस तरह से बजेगी, और इसके नोटेशन से भारत के लिए 3 बार एफ, और फिर भाग्य के लिए 3 बार डी शार्प, और फिर विधाता के लिए सी, डी शार्प, और फिर सी शार्प। सिंगल फिंगर से बचा के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, अगली लाइन है पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, बजा के बता देता हूँ। जिस तरह से बजेगी, और इसके नोटेशन है सी शार्प, जी 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 शार्प, 8 बार जी शार्प बजाना है। उसके बाद जी ए, सॉरी ए शार्प और जी शार्प। तो फ्रेंड्स, एक बार आप सिंगल फिंगर से भी देख लीजिए इसे। और अगली लाइन है द्राविड़ उत्कल बंगा, बजा के बता देता हूँ से बजाइए। इसके नोटेशन से द्राविड़ के लिए 3 बार एफ शार्प, उसके बाद उत्कल के लिए 2 बार बजेगा, और फिर बंगा के लिए है एफ शार्प, एफ, डी शार्प, एफ शार्प और एफ। तो आप ये लाइन को भी सिंगल फिंगर से एक बार देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगली लाइन है विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, मैं बजा के बता देता हूँ एक बार। कुछ इस तरह से बजेगी, इसके नोटेशन से विंध्य के लिए 2 बार एफ, हिमाचल के लिए एफ, एफ, एफ और फिर डी शार्प, उसके बाद यमुना के लिए है 3 बार जी शार्प, उसके बाद गंगा के लिए 2 बार एफ शार्प। मैं एक बार सिंगल फिंगर से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगली लाइन है उच्छल जलधि तरंगा, आपने देखा ये उसके जैसे ही बजिए भारत भाग्य विधाता। बस इसमें एक नोट का अंतर है कि एक डी शार्प और लग जाता है यहाँ पे, उसके बाद एक डी शार्प। तो मैं सिंगल फिंगर से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगली लाइन है तब शुभ नामे जागे, कुछ इस तरह से बजेगी। इसके नोटेशंस है तब के लिए सी शार्प, डी शार्प, फिर शुभ के लिए है 2 बार एफ, नामे के लिए भी 2 बार एफ है, उसके बाद जागे के लिए है डी शार्प, एफ, एफ शार्प। सिंगल फिंगर से बता देता हूँ।
अगली लाइन है, तब शुभ आशीष मांगे। मैं आपको इसके नोटेशन बता देता हूँ। तब के लिए है एफ और एफ शार्प, उसके बाद शुभ के लिए दो बार जी शार्प, उसके बाद आशीष के लिए है जी शार्प, एफ शार्प, एफ, और मांगे के लिए डी शार्प, एफ शार्प और एफ। सिंगल फिंगर से बता देता हूँ। तो अगली लाइन है गाहे तब जय गाथा। ये भी सेम बजेगी भारत भाग्य विधाता जैसे, लेकिन बस इसमें एक एफ नोट का अंतर है जो कि नहीं बजेगा इसमें, यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो सिंगल फिंगर से बता देता हूँ। तो अगली लाइन है जनगण मंगल दायक जय है। कुछ इस तरह से बजेगी। तो नोटेशन से जन के लिए दो बार जी शार्प, गण के लिए और दो बार जी शार्प, फिर मंगल के लिए तीन बार जी शार्प, दायक के लिए दो बार जी शार्प, फिर जय है के लिए जी शार्प, जी, ए शार्प, जी शार्प। सिंगल फिंगर से बजा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगली लाइन है भारत भाग्य विधाता, बजा के बजा देता हूँ। तो इसके नोटेशन से भारत के लिए एफ शार्प, एफ शार्प, एफ शार्प, तीन बार एफ शार्प, फिर भाग्य के लिए दो बार एफ शार्प, फिर विधाता के लिए एफ, डी शार्प, एफ शार्प, एफ। सिंगल फिंगर से बता देता हूँ। तो आखिरी लाइन है इसकी जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो बजा के बता देता हूँ। आधा आधा करके सीखते हैं। पहले सीखेंगे जय हे जय हे जय हे। पहली बार जो जय हे बजेगा वो कुछ इस तरह से बजेगा सी 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 शार्प। फिर दूसरा जो जय है वो है सी ए शार्प सी। फिर अगला है ए शार्प जी शार्प और ए। मैं आपको सिंगल फिंगर से बता देता हूँ। फिर आखिरी है जय 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 हे। नोटेशन से सी शार्प, सी शार्प, डी शार्प, डी शार्प, फिर दो बार एफ शार्प, डी शार्प, एफ, एफ शार्प। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी देख सकें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।